तो यार यहाँ पे अरपी के पापा अरपी को थोड़ा सा पढ़ाई करा रहे थे उसको। कुछ मैथ्स के उसके क्वेश्चन थे जो उसको समझा रहे थे, तो मैंने देखा तो थोड़ा सा कैप्चर कर लिया मैंने। ठीक है, बराबर 500 सेंटीमीटर। ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये किलोमीटर और यहाँ को पे आप मीटर देख में सकते कन्वर्ट हैं किया, शिवांश की पढ़ाई भी हो रही है, मीटर वो को कन्वर्ट फोन में कर रहा है किया। अपनी पढ़ाई। और हम लोग ये शाम के टाइम आए थे, थोड़ा मार्केट में काम था तो हम लोग यहाँ पे आए थे नुमाइश मैदान में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये आज है राम नवरात्रि निशान, का राम पहला निशान। दिन है, तो वैसे आज भीड़ कम आज है, से काम शुरू आज हो से गया, यहाँ अब पे तो कोई नहीं रामलीला आएगा, वगैरह शुरू हो जाएगी। न्यू तो हॉल हमने न्यू सोचा स्टेज कि बन यहाँ रहा पे है। आए हैं, चलिए दर्शन भी करके आते हैं। नवरात्रि का पहला दिन था, व्रत भी था, तो मैंने कहा चलते हैं और दर्शन करते हैं और आपको भी घर बैठे दर्शन करवाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए ये एक चीज़ है कि हाँ, वो घर बैठे यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे छोटा मोटे झूले वगैरह भी लगे हुए थे बच्चों के लिए। और ये देखिए दुकानें अभी लगनी शुरू हो गई थी, ये देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। बड़ा ये अच्छा लग रहा देखिए, है आप यहाँ भी पे। इंजॉय कीजिए, देखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए हम यहाँ अंदर पंडाल के अंदर आ चुके हैं। और ये सामने आप देखिए, आप भी दर्शन कीजिए माता के, आशीर्वाद लीजिए माता का, घर बैठे आप दर्शन कीजिए। देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे पुतले वगैरह बनाए हुए थे। लास्ट दिन होता है जिस दिन दशहरे का लास्ट दिन होता है, उस दिन दहन किया जाता है। तो यहाँ पे आज तो भीड़ काफ़ी कम थी क्योंकि आज फर्स्ट डे था, आज तैयारियाँ ही चल रही थी, मेरा व्रत था। तो मैंने बोला कि चलते हैं और इन्जॉय करते हैं, दिखाते हैं आपको भी, यहाँ पे दर्शन भी करके आएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं आपको चलिए अब सामने वाले पंडाल पे लेके चलती हूँ, वहाँ पे भी बनाया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होता है ना कि मतलब बागेश्वर में बीच में नदी बह रही है जो, तो वार और पार वालों का अलग अलग होता है कहते हैं। यहाँ पे दो पंडाल बने होते हैं तो जिस दिन विसर्जन होता है तो दोनों तरफ का अलग अलग होता है यहाँ पे। और ये सामने आप दुकानें देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी दुकानें लगी हुई हैं।
ये देखिए आज स्टार्टिंग ही है, शुरुआती दिन है, तो आज तैयारियां ही हो रही हैं। शाम से ही होगा मेरे ख्याल से ज़्यादातर। कल से भीड़ वगैरह बढ़नी शुरू हो जाएगी यहाँ, जगह जगह से, हर जगह से गांव के लोग आते हैं। यहाँ पे मेला जैसा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये यहाँ पे का दूसरा पंडाल है, ये हम दूसरी ओर जा रहे हैं, तो चलिए आपको भी दर्शन करवाते हैं, यहाँ के भी दर्शन करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं, जो दूसरा वाला पंडाल है यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की कितनी बड़ी प्रतिमा लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी प्रतिमाएं हैं यहाँ पे। गणपति जी की प्रतिमा भी लगी हुई थी एक, और बाकी माता के रूपों को दिखाया गया था प्रतिमा के द्वारा। तो हमने भी यहाँ पे आशीर्वाद लिया भगवान का, माता रानी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर दें। तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ पे दर्शन किए, और ये आप देख सकते हैं पहाड़ का काफ़ी अच्छी रौनक लगी हुई है यहाँ पे। अभी तो कल से काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी यहाँ पे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंजॉय कीजिए, और प्लीज़ साथ में वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम चलते हैं घर की ओर।